अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX Mentor। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ अपनी फोटोशॉप बिगनर सीरीज की क्लास नंबर 2। और आज हम क्या देखेंगे, मजीद कुछ सिलेक्शंस। लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को सिलेक्शंस बताई थी उसमें मैंने कहा था कि कुछ पार्ट रह गया है, वो मैं डेफिनेटली आज बताऊंगा। प्लस कुछ और बेसिक से सिलेक्शंस के ऑप्शंस है, कुछ टूल्स हैं वो आप लोगों को बताने हैं। और चलिए फिर शुरू करते। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि लास्ट क्लास में हमने देखा था रेक्टेंगुलर मार्की और एलिप्टिकल मार्की। नाउ रेक्टेंगुलर मार्की के जो ऑप्शंस थे वो तो मैंने आप लोगों को लगभग बता ही दिए थे। एलिप्टिकल मार्की में एक छोटी सी चीज थी जो मुझे बतानी थी और उस वक्त लाइक फर्स्ट क्लास थी, मैंने नहीं बताया। बट यस, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक छोटा सा चेकबॉक्स दिया हुआ है एंटी एलियस। नाउ एंटी एलियासिंग क्या चीज होती है, इसको अगर आप में से कोई गेमर है तो वो बहुत अच्छे से जानता होगा कि एंटी एलियासिंग क्या है। वेल, देखें सिंपल सी बात है कि अगर मैं एक राउंड सिलेक्शन बनाता हूं और उसमें मैं कोई कलर फिल कर देता हूं, ठीक है। अब अगर मैं ये पार्ट आपको इसका एज जूम करके दिखाऊं, देखें यहाँ जो कॉर्नर पर अगर आप देखें तो ये आपको कुछ ब्लर से पिक्सल्स दिख रही हैं। ना ऑब्वियसली ज्यादा जूम करके देखने पर ये दिखेंगी। ये इसलिए होती है कि देखें जो भी अगर स्ट्रेट एज हो लाइक रेक्टेंगल या स्क्वायर उसमें तो ये नहीं आएंगी, बिकॉज हमारा जो जितना भी पिक्सल्स की फॉर्मेशन है वो बिल्कुल रोज एंड कॉलम्स पे होती है और तकरीबन यूं समझ लें कि एक तरह से जाल बना हुआ होता है, राइट, पूरी ग्रिड होती है। अब ऑब्वियसली अगर स्ट्रेट एजेस हैं तो उसमें पूरे पूरे पिक्सल्स फिल हो जाते हैं, लेकिन जहां बात आती है डायगनल लाइन की या कर्व लाइन की तो एजेस पर ये थोड़ा सा ब्लर ऐड किया जाता है ताकि 100% साइज पे ये आपको बिल्कुल स्मूथ सा दिखे, ठीक है। ये चीज जो एजेस से जो ये ब्लर होता है ये इसलिए होता है कि ये स्मूथ दिखे और ये चीज कहलाती है एंटी एलियासिंग। नाउ एंटी एलियास अगर बंद कर दें तो देखें क्या होता है। मैं अब ये इसको अनचेक कर रहा हूं और अब मैं एलिप्टिकल सिलेक्शन टूल से या एलिप्टिकल मार्की से एक और सर्कल सेलेक्ट किया और मैं इसमें फोरग्राउंड कलर फिल कर रहा हूं। नाउ अगर इसको मैं थोड़ा इसके करीब ही ले आता हूं, ठीक है, एंड इन दोनों को जरा जूम करके आप देखें तो आपको बहुत वाजे तौर पर डिफरेंस दिखेगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने एंटी एलियास ऑफ किया हुआ था इस वाले में और इस वाले में एंटी एलियास ऑन है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी गलती से अगर आपने इसको अनचेक कर लिया तो आपकी सिलेक्शंस इस तरह से आ रही होगी और ये वाकई इवन 100% साइज पर भी थोड़ा सा पिक्सेलेटेड सा दिखेगा, मतलब एजेस इसके इतने स्मूथ नहीं होंगे जितना एंटी एलियास वाले के होते हैं, ठीक है। इसको यूं समझ लें कि पुराने जो गेम्स अगर आप लोगों ने देखे हो लाइक अटारी या सेगा में जो 8-bit ग्राफिक्स होते थे उस वक्त एंटी एलियासिंग नहीं थी, एंड उस तमाम गेम्स में आपने देखा होगा इस तरह से डब्बे डब्बे से बने हुए आते थे। बाद में ये कुछ टेक्नोलॉजी जाहिर है आगे बढ़ती जा रही है और ये आ रही है आपकी नॉन एंटी एलियास और ये है आपका एंटी एलियास। ये बताना मेरा बेतहाशा जरूरी था। कई मरतबा स्टूडेंट्स इसको गलती से अनचेक कर लेते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हमारी सिलेक्शन इतनी बुरी क्यों आ रही है, राइट। इस चीज का ख्याल रखिएगा कि इसको ऑन रखना है। नाउ आज के जो हमारे टूल्स हैं उसमें सबसे पहले एक और सिलेक्शन आपको मैं बता रहा हूँ, लासो टूल। नाउ लासो टूल बड़ा सिंपल सा है, हम सिंपली फ्री हैंड जिस तरह से ड्रॉ करते हैं उस तरह से हम सिलेक्शंस बना सकते हैं। एंड यस, वो तमाम ऑप्शंस जो हमने पिछले सिलेक्शंस में देखे थे वो तमाम ऑप्शंस यहाँ पर भी मौजूद हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसमें मजीद सिलेक्शन ऐड करनी है तो मैं शिफ्ट दबा के ऐड कर सकता हूँ, राइट, एंड अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करनी है तो वही आपका ऑल्ट दबा के, एंड थर्ड अगर हमें इंटरसेक्ट करनी है तो ऑल्ट एंड शिफ्ट दबा के। नाउ बाय द वे मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि मैं फोटोशॉप CC 2017 यूज कर रहा हूं आज। 2018 में कुछ एक दो चीजें वाकई मुझे अब भी प्रॉब्लम कर रही हैं तो मैंने वो कैंसिल कर दिया, अब मैं 2017 ही यूज कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप लोगों को याद हो पिछली
वाली क्लास में जाके देख लीजिएगा कि जब मैं ब्रश से स्ट्रोक्स लगा रहा था तो वो बहुत देर में आ रहे थे, मतलब बहुत स्लो स्लो मर मर के आ रहे थे। मोस्ट प्रोबेबली शायद मेरे सिस्टम का जो जीपीयू है वो सपोर्ट नहीं दे रहा है, बट आई डोंट नो, अगर वो मसला होता तो यहाँ 2017 में भी ये मसला आ रहा होता। बहरहाल सो ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, क्लास से रिलेटेड नहीं था। मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर 2018 कहाँ से डाउनलोड करें। मैं सजेस्ट करूंगा अभी ना करो, इवन इफ यू हैव 2017 दिस इज इनफ, मोर देन इनफ, बेहतरीन नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लासो टूल में आपके पास दूसरा जो टूल आ रहा है दिस इज पॉलीगॉन लासो। अब पॉलीगॉन लासो का काम क्या है, ये स्ट्रेट सेलेक्शंस करता है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां क्लिक किया, अब देखें आपके पास एक ये लाइन बनी हुई आ रही है जस्ट लाइक पेन टूल, लेकिन ये पेन टूल जैसा नहीं है, पॉलीगॉन नाम है, तो दैट मींस कि ये सिर्फ स्ट्रेट लाइंस आपकी सेलेक्ट करके देगा, ठीक है। एंड जैसे आप यहां पर आकर क्लोज करेंगे तो ये सेलेक्शन बना के देगा। ये याद रखिएगा कि अगर आप इससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं, अगर ये आपके पीछे ही पड़ गया है तो आप स्केप दबा सकते हैं कीबोर्ड से, तो ये आपकी सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आप क्लिक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कहीं आपने गलत क्लिक कर दिया, मिसाल के तौर पे मैंने यहां क्लिक किया, ये गलत हो गया, मुझे कहीं और करना था, तो मैं सिंपली बैकस्पेस दबा दूंगा और ये जहां जहां आपने क्लिक किया वहां से ये पीछे जाता जाएगा। सो दिस इज क्वाइट इजी फॉर स्ट्रेट सिलेक्शंस, अदरवाइज इतना ज्यादा खैर यूज नहीं होता। हाँ, मुझसे कई मरतबा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कौन सी सिलेक्शन ज्यादा अच्छी है, इट डिपेंड्स कि आप क्या चीज सेलेक्ट कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल ये एक इमेज मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर आप अगर आप देखें तो कुछ बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं। अब इसकी अगर मुझे सिलेक्शन करनी है, वैसे तो दो और भी तरीके हैं, लेकिन मैं एक सिर्फ सैंपल आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप इसकी सिलेक्शन के लिए इस पॉलीगॉन लासो को यूज कर सकते हैं। सो मैं बिल्कुल यहाँ एक्सट्रीम एज पे जाकर के मैंने यहाँ क्लिक किया है, एंड बाय द वे मैं हैंड टूल मेरा कहां से आता है, मैं शिफ्ट दबाता हूं, सॉरी स्पेस बार दबाता हूं तो मेरा हैंड टूल आ जाता है एंड लाइक दिस। सो ये देखें मैंने काफी आसानी के साथ ये मैं अपनी बिल्डिंग सेलेक्ट कर रहा हूं। एंड सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं ये भी अभी आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मुझे आज एक और चीज आप लोगों को सिखानी है जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। राइट, अब देखें ये यहां से थोड़ा सा ही कर्व जा रहा है, ऑफ कोर्स बिल्डिंग कर्व नहीं है, वो वाइड एंगल लेंस लिया हुआ है जिसकी वजह से ये डिस्टॉर्शन आ जाती है, दैट्स ओके। अभी बस अज्यूम करें कि ये सीधी ही लाइन जा रही है, मैंने यहां पर क्लिक किया एंड थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, यहां आया यहां आया, इवन देखें ये मैं इस वक्त बाहर चल रहा हूं, सो बाहर भी आप काम कर सकते हैं। दूसरी बात कि मैं अगर आप देखें तो ये इस तरह से जो पैन हो रहा है मेरा इमेज, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मैंने फुल स्क्रीन किया हुआ है ना। फुल स्क्रीन किस तरह से होता है, जब आप बाय डिफॉल्ट इमेज ओपन करते हैं तो समटाइम्स ये अटका हुआ होता है अपनी जगह पे, ये आप इस तरह से पैन नहीं कर सकते। एफ शॉर्टकट है, F अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका ये फुल स्क्रीन हो जाता है और उसमें आप इसमें इजीली पैन कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप मजीद F दबाएंगे तो ये टोटल फुल स्क्रीन हो जाएगा ब्लैक उस पे बैकग्राउंड पे, ठीक है। बहरहाल ये अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसको यूज करना चाह रहे हैं। ऑलराइट, हमारी ये यहां तक की सिलेक्शन हो गई, लेकिन यहाँ पे जो ये कर्व था इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बाद में हटाते हैं, अभी के लिए इसको यूं ही रहने देते हैं। ऑलराइट, अब करना ये है के राइट क्लिक करने पर मैंने आप लोगों को दो तीन चीजें बताई थी लास्ट टाइम, एक तो डीसेलेक्ट, एक सेलेक्ट इनवर्स और एक फेदर बताया था। सेलेक्ट एंड मास्क एंड सेव सिलेक्शन वगैरह को सब कुछ छोड़ करके यहाँ नीचे आ जाएं, आपके पास एक ऑप्शन है लेयर वाया कॉपी। लेयर वाया कॉपी ये करेगा कि जो आपका एरिया सेलेक्टेड है उसको कॉपी करेगा न्यू लेयर पर, मतलब कॉपी करने से मुराद कि नीचे आपकी ओरिजिनल लेयर पर तो रहेगा ही, साथ ही साथ दूसरी एक लेयर पर सिर्फ उतना हिस्सा आ जाएगा जितना आपने सेलेक्ट किया था। ऑलराइट, इस चीज का शॉर्टकट जो है बड़ा सिंपल सा है, कंट्रोल जे। नाउ अगर कंट्रोल जे आपको याद हो इलस्ट्रेटर में कुछ और काम करता था, इलस्ट्रेटर में क्या करता था कि वो आपको ज्वाइन करके देता था पाथ को, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल जे का टोटली डिफरेंट काम है, लेयर वाया कॉपी करता है। लेयर वाया कॉपी मतलब आपने जो चीज सेलेक्ट की है
उसको न्यू लेयर पर कॉपी कर देगा। नाउ लास्ट क्लास में मैंने एक और बात बताई थी कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो एक्टिव एरिया है वो आपका सिलेक्शन है। सो अगर आपने कोई चीज ऐसी की कि लाइक जो चीज सेलेक्ट की है कंट्रोल जे करेंगे तो वो न्यू लेयर पर आ जाएगा, लेकिन अगर आपने सिलेक्शन नहीं बनाई है तो आपकी पूरी लेयर डुप्लीकेट हो जाएगी। सो अगर मैं देखे, मैंने अभी जैसे कंट्रोल जे दबाया तो ये इसने पूरा कॉपी कर दिया लेयर वन पे विदाउट एनी रिमूविंग, कोई चीज रिमूव इसने नहीं किए, एज इट इज पूरी लेयर आपके पास कॉपी आ गई। सो जब जब आप कंट्रोल जे दबाएंगे लेयर की कॉपी बनती चली जाएगी, ठीक है। बहरहाल लेयर से अभी घबराए नहीं, मेरी अगली क्लास लेयर्स पर ही है, ठीक है। ऑलराइट, सो आई होप यहां तक तो समझ में आ गया होगा। बहरहाल मैं हमने ये किया था कि हमने ये सिलेक्शन करके कंट्रोल जे कर दिया था तो ये आपकी न्यू लेयर पर आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी हम न्यू लेयर पर ला क्यों रहे हैं। कई मरतबा ऐसा होता है कि हमें स्काई चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल इसका स्काई का कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसका स्काई का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। मैंने सिंपली यहाँ नीचे एक न्यू लेयर ली, देखें मैं न्यू लेयर कहाँ ले रहा हूँ, आप चाहें तो ऊपर ले लें, ये मेरा लेयर्स का पैनल मैं यहाँ रख रहा हूँ। मैंने यहाँ से न्यू लेयर का बटन दबाया और इस लेयर को मैं ड्रैग करके नीचे ला रहा हूँ। और नीचे क्यों लाया, क्योंकि मुझे इस बिल्डिंग को ऊपर रखना था और नीचे कोई और कलर फिल करना था। सो लेट्स अगर मैं ब्लैक कलर फिल कर लेता हूँ तो ये यूं आ जाएगा, या कोई ढंग से हम ब्लू कलर ही सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे स्काई का कोई कलर, एंड से लाइक दिस मैंने ये कलर लिया और ये मैंने फिल कर दिया। नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास टूल आ रहा है, दिस इज मैग्नेटिक लासो। अच्छा, मैग्नेटिक लासो बिल्कुल लासो टूल की तरह से ये एक इमेज मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है। बाय द वे तमाम इमेजेस मैं वहीं से unsplash.com से ही मैंने डाउनलोड किए, तो अगर आप लोगों को ये इमेजेस चाहिए तो सर्च कर लीजिएगा, फ्रूट सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा, राइट। ओके, सो अब मुझे ये ऑरेंज सेलेक्ट करना है और मैग्नेटिक लासो के साथ मैं कर रहा हूँ। मैग्नेटिक लासो की खास बात यह है कि ये ऑटोमेटिकली कलर्स में डिफरेंस को खुद नोट करता है। नाउ अगर मैंने यहां क्लिक किया और जैसे ही मैं आगे बढ़ना शुरू हुआ, देखिए मैं बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा हूँ और ये खुद ब खुद इसके कलर्स को डिटेक्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मैं जरा इसको जूम आउट कर लूं। ओके, अगर कभी आप इस तरह से कहीं और भटक जाएं तो इसमें भी वही फीचर है कि आप पीछे अपना कर्सर लाते जाएं और बैक स्पेस दबाते जाएं, ठीक है। ये आपकी सिलेक्शन स्पीड में होना शुरू हो चुकी है। ओके, अगर आप ये चाह रहे हैं कि यहां से आप आगे ना बढ़े तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। सो मैग्नेटिक लासो में ये भी फीचर है कि आप अगर क्लिक करते हुए जाएंगे तो वो आपको वहीं पर रोक के रखेगा, मतलब बाज़ औक़ात ये सिलेक्शन जो है खुद आगे पीछे भटक जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि क्लिक कर दें। नाउ देखें, अब ये ऑरेंज पूरा अच्छी तरह से सेलेक्ट हो गया। अब अगर मैं कंट्रोल जे करता हूं तो हमारा देखें ये बैकग्राउंड इससे अलग हो गया। ऑब्वियसली मैंने इसके ऊपर की जो लीव्स वगैरह थे और ये स्टॉक थी ये मैंने सेलेक्ट नहीं की है, बट इसको अभी हम थोड़ी देर में किसी और टूल के साथ करके देखते हैं, सो नो वरीज। सो आई होप यहां तक कि आप लोगों को ये तीनों लासो टूल्स समझ में आ गए होंगे, राइट। नाउ अलबत्ता एक चीज है छोटी सी कि आपके पास इस पॉलीगॉन लासो में तो इतने ऑप्शंस नहीं थे, हाँ अलबत्ता मैग्नेटिक लासो में ऊपर अगर आप देखें तो कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा दिए हुए। सो विड्थ आपको दी हुई है 10 पिक्सल्स। ये 10 पिक्सल्स की विड्थ क्या है कि 10 पिक्सल्स के अंदर अंदर आपका डेटा ढूंढता रहेगा। अगर आप बहुत टाइट सी सिलेक्शन चाह रहे हैं तो इसको और कम कर लें, और ये देखें बहुत ही स्ट्रिक्टली आप जहां पर भी जाएंगे ये वहां पर रुक जाएगा। अगर मैं 10 पिक्सल्स रखता हूँ, देखिए मैंने स्केप दबा दिया, मैं 10 पिक्सल्स रखता हूं तो मैं अगर इवन आगे भी बढ़ूंगा थोड़ा बहुत, लेकिन अगर उसको डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा तो देखें खुद ब खुद इसके करीब करीब खींचता चला जाएगा, ठीक है। सो यस, इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यूज है मैं सजेस्ट करता हूं यही रखें। हाँ, अगर और इसको बढ़ा दें तो देखे मैं जितना भी दूर भाग जाऊं ये चिपक के इसके पास आता रहेगा, ठीक है। तो यस, अगर आपको लगे कि जी आप बहुत स्टेबल हाथ नहीं चल रहा आपका, तो आप इसकी वैल्यू को बढ़ा दें। इससे फायदा ये होगा कि बहुत स्पीड में भी मैं जाऊंगा तो ये सेलेक्ट कर लेगा, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा कि ये पर्टिकुलर जो मेरा इमेज है ये बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेज है, और इन दोनों कलर्स में मतलब ऑरेंज एंड ब्लू में
बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो अगर आप कोई ऐसा इमेज उठाएं जिसमें इतना ज्यादा डिफरेंस ना हो तो ये आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम देने वाला है। ऑलराइट, एक छोटी सी चीज, ये जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा था यहाँ पर ये पार्ट थोड़ा सा रह गया, तो इसको हम सिंपली या तो लासो टूल से भी कर सकते हैं। सी मैंने प्लस किया एड सेलेक्शन, किससे, शिफ्ट से, एंड ये मैंने सिलेक्शन में वापस ऐड कर लिया। सो यस, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। मैग्नेटिक लासो में एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पे कंट्रास्ट है, कितना परसेंट कंट्रास्ट देखना है। मैं सजेस्ट करूंगा कि यार इसकी जो ये फ्रीक्वेंसी और कंट्रास्ट वगैरह है इनको नॉर्मल ही रहने दें, इसको ज्यादा मत छेड़िएगा। बहरहाल अगर इनकी वैल्यूज को चेंज करके आप देखिएगा कि क्या डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन मैं इस पर इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा जस्ट बिकॉज के यार मैग्नेटिक लासो अभी थोड़ी देर में आपको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि जो अगला मैं टूल बताने वाला हूं उसकी वजह से ये टूल हम बहुत कम अब यूज करते हैं। अब इतना ज्यादा तो नहीं कहूंगा मैं, इनफैक्ट खतई तौर पे कई सालों से इसको यूज ही नहीं किया है। सो यस, यहाँ पर ये टूल है, अगर आप यूज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मेरा फर्ज था बताना तो मैंने बता दिया आप लोगों को। नेक्स्ट आपके पास जो टूल है वो है क्विक सिलेक्शन, और क्विक सिलेक्शन के अंदर आप देखें तो मैजिक वांड दिया हुआ। मैजिक वांड का काम असल क्या है कि वो सिमिलर कलर्स को सिलेक्ट करता है। सो मैजिक वांड के लिए देखें, ये इमेज इतना ज्यादा अप्रोप्रिएट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि मैं दूसरे इमेज पर आपको बताता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा होता है। मैजिक वांड आपके सिमिलर कलर्स को सिलेक्ट करता है। सो फॉर एग्जाम्पल, ये ऊपर आसमान जो आपको दिख रहा है, मैं अगर इस पर क्लिक कर दूं तो देखें इसने जहां मैंने क्लिक किया था उससे मैचिंग कलर्स को इसने सेलेक्ट कर लिया, और जहां सबसे बड़ा डिफरेंस दिखा ये वहां जाके रुक गया। अच्छा, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है, यानी कि यहाँ टॉलरेंस की वैल्यू होती है 32, अगर मैं इसको बढ़ा दूं। अच्छा, बाय द वे, ये फोटोशॉप में जहां पर भी आपको वैल्यूज दिख रही होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये टॉलरेंस है और इसकी वैल्यू यहां दिख रही है, इस टॉलरेंस पर आप माउस ला करके अगर ड्रैग करें, क्लिक करके राइट साइड पर लेके जाए तो वैल्यू बढ़ेगी, लेफ्ट साइड पर लेके जाए तो वैल्यू घटेगी। ये फोटोशॉप की बड़ी अच्छी सी बात है, राइट। नाउ मैं अगर यहाँ क्लिक करता हूँ, अब देखें इसने ज्यादा एरिया सेलेक्ट किया। मैं अगर शिफ्ट दबा के यहाँ क्लिक करता हूँ, मजीद एरिया सेलेक्ट किया, यहाँ क्लिक करता हूँ, और ये इसने पूरा का पूरा मेरा स्काई बहुत आसानी के साथ सेलेक्ट कर लिया, जस्ट बिकॉज कि मैंने इसकी टॉलरेंस बढ़ा दी थी। नाउ अगर ऑन दी अदर हैंड मैं टॉलरेंस इसकी बहुत कम कर देता हूँ, लेट्स से इस वक्त मैं रख देता हूँ 6, ठीक है, मैंने डी सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ क्लिक किया, अब देखें बहुत कम कम एरिया सेलेक्ट कर रहा है, और इससे सेलेक्शन करना थोड़ा सा मसला हो जाएगा। सो यस, आप इसकी टॉलरेंस बढ़ा के फिर आप शिफ्ट के साथ ऐड कर सकते हो, ठीक है। नाउ ज्यादातर मैजिक वांड कब यूज होता है, जब आपको बहुत ही सॉलिड कलर आपको सेलेक्ट करना हो। सो लेट्स से अगर मेरे पास कोई सॉलिड कलर वाला इमेज है कि नहीं है, यस एक और ये स्काई वाला इमेज है, इसको देख लेते हैं। ओके, सो मैंने यहां क्लिक किया, शिफ्ट दबा के यहां क्लिक किया, एंड डन, ये आपका हो गया स्काई सेलेक्ट, ठीक है। नाउ ये स्काई हम सेलेक्ट कर क्यों रहे, फिर वही बात कि अगर मैं शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस कर दूं, यानी सेलेक्ट इनवर्स कंट्रोल जे करूं, आपका ये स्काई इससे सेपरेट हो गया। अब आप नीचे कोई और स्काई लाके लगाना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला इमेज का इतना हिस्सा सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कर रहा हूं, और यहां पर आके कंट्रोल वी कर रहा हूं, सी दिस स्काई चेंज हो गया। लेकिन ऑब्वियसली यार, मतलब ये कलर और इस कलर में बहुत बड़ा फर्क है, ये इतना ज्यादा इससे अच्छा मैच नहीं होगा। बहरहाल कलर किस तरह से हम एडजस्ट करेंगे ये हम आगे थोड़ा सा वेट करें, हम आगे आने वाली क्लासेस में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं तो उसमें हम डेफिनेटली एडजस्टमेंट्स वगैरह भी देखेंगे। सो आई होप आप लोगों को मैजिक वांड तक तो समझ में आ गया होगा। एंड मैजिक वांड में अब एक छोटी सी चीज जो कि बहुत ज्यादा काम की है, देखें मैं अगर कोई और इमेज की बात करूं, जैसे ये इमेज है, मैं इसमें आकर के यहां पे क्लिक कर रहा हूं, ठीक है, सॉरी मैं इसकी टॉलरेंस थोड़ा कम कर रहा हूं से 32, और मैंने यहां क्लिक किया, इसने बहुत हद तक स्काई को सेलेक्ट तो कर लिया है, लेकिन एक छोटी सी चीज के अगर कहीं जैसे मैं यहां क्लिक करता हूं, ठीक है, इसने उन कलर्स को सेलेक्ट किया सिर्फ जहां तक इसको मैचिंग कलर्स मिलते गए। नाउ मजे की बात यह है कि जहां मैंने क्लिक किया था उससे मैचिंग कलर्स यहां पर भी मौजूद हैं, लेकिन ये नहीं कर रहा सेलेक्ट बिकॉज के यहां पर एक चेक लगा हुआ है कंटेजियस। नाउ कंटेजियस क्या होता है, कंटेजियस जैसे बीमारी होती है, राइट,
एक को किसी को छूने से दूसरे को बीमारी लग जाती है, बिल्कुल कंटीजियस वैसी ही सिलेक्शन है। अगर मैं ये ऑन रखता हूं तो सिर्फ वहां तक सेलेक्ट करेगा जहां तक उसको सिमिलर कलर्स मिलते हैं, और जहां बड़ा डिफरेंस आता है वहां सिलेक्शन रोक देता है। अब अगर मैं कंटीजियस हटा दूं तो ये पूरे इमेज में सर्च करेगा कि इससे मैचिंग कलर्स कहाँ कहाँ है। सी दिस, ये पूरे इमेज में सारे मैचिंग कलर्स इसने सेलेक्ट कर लिए। सो अभी अगर मैं कंट्रोल जे करूं, बड़ी अजीब सी चीज आपके सामने आने वाली है, ऑल्दो हम इस तरह से करते नहीं है, बट यू गॉट द आइडिया कि यहाँ हो क्या रहा है। सो कंटेजियस एक छोटा सा चेक है, लेकिन ये है बड़ा काम का, ठीक है। नाउ इसी में नेक्स्ट आपके पास जो दिया हुआ है सैंपल ऑल लेयर्स। अब देखिए मैं एक न्यू लेयर पर खड़ा हूं और मैं यहां क्लिक करता हूं तो पूरी लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे कुछ भी नहीं था, ब्लैंक था, ट्रांसपेरेंट था, उसने पूरे ट्रांसपेरेंट को सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं सैंपल ऑल लेयर्स पे चेक लगा दूं तो फिर ये उनको सेलेक्ट करेगा जो नजर आ रहे हैं, राइट। एंड फॉर एग्जांपल मैं यहां क्लिक करता हूं तो ये स्काई सेलेक्ट कर रहा है, यहां क्लिक कर रहा हूं ये इसने स्काई कंप्लीटली सेलेक्ट कर लिया, इवन दो कि मैं एक ऐसी लेयर पे था जिस पे कुछ भी नहीं बना हुआ। सो सैंपल ऑल लेयर्स आपको हेल्पफुल रहेगा नीचे की सिलेक्शंस के लिए, ठीक है जी। सो आई होप आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। नाउ पॉइंट सैंपल्स वगैरह, इसमें बहुत सारे डिफरेंट एवरेजेस हैं, ये इट डिपेंड्स कि आप अगर यूज करना चाहें तो कर लें। इसमें देखें होता ये है कि जहां आप क्लिक कर रहे होते हैं वो कितने सैंपल्स को सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो अगर पॉइंट सैंपल जहां मैंने क्लिक किया उसको सैंपल ले रहा है, अगर मैं ये करता हूं कि एवरेज 5x5 एवरेज, तो मतलब जहां मैंने क्लिक किया है 5x5 पिक्सल से उसका लेकर के एवरेज निकाल के सेलेक्ट कर रहा होता है। इतना ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर आप चाहें तो इससे भी सिलेक्शन स्पीड में कर सकते हैं। सो 101x101 एवरेज अगर मैं कर रहा हूं, मैं कहीं भी क्लिक करता हूं, मेरा देखें डायरेक्टली एक क्लिक में पूरा स्काई सेलेक्ट हो जाता है। सो यस, कुछ केसेस में ये थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। ऑलराइट, ये सेलेक्ट एंड मास्क अभी भी मैं नहीं बता रहा, कुछ क्लासेस रुक जाओ, मैं फिर बताऊंगा बहुत डिटेल में। वैसे मैं इसकी शक्ल दिखा दूं, ये बहुत बड़ा सा पूरा एक इंटरफेस खुल जाता है, सही है। सो यस, फॉरगेट इट, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं अभी, डोंट वरी, बताएंगे बहुत डिटेल में बताएंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो मैजिक वैंड के बाद आपके पास आ रहा है क्विक सिलेक्शन। ऑलराइट, क्विक सिलेक्शन के लिए मैं वापस अपने इस ऑरेंज के ऊपर आ रहा हूँ। क्विक सिलेक्शन बड़ा मजेदार सा टूल है, और इसमें क्या होता है कि जैसे ही मैं क्लिक करता हूं ये सिलेक्शन बनाना शुरू कर देता है। और जरा गौर से देखें, अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं, आपके पास एक छोटा सा सर्कल आ रहा है, और इस सर्कल को बड़ा या छोटा कर सकते हैं जस्ट लाइक ब्रश। ब्रश कैसे छोटा बड़े होते हैं, आपके कीबोर्ड पे एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है पी के बराबर में, अल्फाबेट पी, पी फॉर पिंक, राइट। पी के बराबर में दो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, एक लेफ्ट और राइट। राइट वाला स्क्वायर ब्रैकेट जब जब आप प्रेस करेंगे ये आपका ब्रश बड़ा होता जाएगा, और अगर लेफ्ट वाला प्रेस करेंगे तो ये आपका ब्रश छोटा होता जाएगा। सो आई होप ये तो मसले वाली बात नहीं है। नाउ ये हम बड़ा या छोटा क्यों करेंगे, सिलेक्शन के लिए ऑफ कोर्स। सो अगर मुझे सिलेक्शन करनी है इस ऑरेंज की, तो मैं सिंपली जैसे ही क्लिक कर रहा हूं देखें ये सिलेक्शन बनाना शुरू कर देता है, और जहां जहां मैं आगे बढ़ता जाऊंगा वो मैचिंग कलर्स को सेलेक्ट करता जाएगा। एंड डन, ये आपका ऑरेंज सेलेक्ट हो गया। अब बताएं मैजिक वैंड ज्यादा अच्छा है या ये अच्छा है या मैग्नेटिक लासो। सो मैग्नेटिक लासो बहुत ही ऑब्सोलीट सा टूल हो गया है, हम ज्यादातर ये क्विक सिलेक्शन से ही काम ले रहे होते हैं, ठीक है। सी दिस, ये बहुत इजीली आपकी चीजों को बहुत फास्ट सेलेक्ट करके दे देता है। नाउ ऑब्वियसली अब जैसे यहां पर ये पार्ट थोड़ा सा पतला है, अगर मैं यहां क्लिक करूंगा तो देखिये मेरी सिलेक्शन बाहर भी चली जाती है। सी, सो इसके लिए हमें जरूरत होती है कि हम अपना ब्रश छोटा कर ले और फिर हम सिलेक्शन करें। That's it. ये हो गई आपकी सिलेक्शन यहां तक, और थोड़ा ऊपर तक चलते हैं। Then finally ये पार्ट। Now what if हम बाहर निकल गए, कुछ हमने एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लिया, अब इसको हम सिलेक्शन से कैसे निकालेंगे। गौर से देखें तो आपके इस सिलेक्शन में एक प्लस साइन बीच में बना हुआ है, जैसे ही मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करता हूं ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो चीज को सिलेक्शन से बाहर निकालना है आप ऑल्ट दबाएं और सिलेक्शन को माइनस कर दें। सो दिस इज दिस सिंपल, इतना आसान सा। देखें अब ये वाला ब्लू वाला पार्ट आ रहा है, इसमें मैं इसको ब्रश को और छोटा कर रहा हूं और ऑल्ट दबा करके मैं यहां पे फेर रहा हूं, एंड
थोड़ा और छोटा कर रहा हूं, सेट, और इसको मैं सिलेक्शन को ऐड कर रहा हूं यहां से एंड लाइक दिस. नाउ बाय द वे जो ऊपर ये सिलेक्ट एंड मास्क है ये बहुत ही एक्सेलेंट सा टूल ऑप्शन है. पुराने वाले जो CS6 वगैरह अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो उसमें ये रिफाइन एज के नाम से है ये सेलेक्ट एंड मास्क. ये हम इंशाल्लाह एक दो क्लासेस के बाद जरूर करेंगे. ठीक है ना, ऑब्वियसली अब ये आपका सिलेक्शन यहां तक हो चुका, इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये भी सिलेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई. इसको थोड़ा सा माइनस करते हैं. ऑलराइट डन, दिस इज अ वेरी नाइस सिलेक्शन. ये लीफ भी अगर आपने सिलेक्शन में लेना है तो ले ले एंड लाइक दिस. ओप्स ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, बाकी चीजें हम बाद में निकालेंगे. माइनस किया एंड मजीद माइनस किया. सो अब देखिए मैं बार बार कभी माइनस कर रहा हूं कभी प्लस कर रहा हूं. ठीक है, ये थोड़ा सा बारीक काम है लेकिन सिलेक्शन हो गई. बस एक बात याद रखिएगा कि ये इस वक्त इमेज इसलिए पॉसिबल था इतना बारीकी से सेलेक्ट करना क्योंकि ये बहुत हाई क्वालिटी का इमेज है. लो क्वालिटी के इमेजेस से अगर आप कोशिश करेंगे अच्छा सा रिजल्ट आए नहीं होगा. ठीक है, सो ऑलवेज गो फॉर हाई क्वालिटी इमेजेस, राइट. सो अब ये जब सिलेक्शन हो गई तो मैंने सिंपली कंट्रोल जे कर लिया. देखें ये आपका पूरी सिलेक्शन होके अलहदा से लेयर पर आ चुका. सो आई होप आप लोगों को ये सिलेक्शंस मतलब क्विक सिलेक्शन, मैजिक वन एंड लासो टूल्स समझ में आ गए होंगे. साथ ही साथ मैंने एंटी एलियास भी बताया है एंड आई होप आप लोगों को ये क्लास भी पसंद आई होगी. और थैंक्स अ लॉट, मेरी फोटोशॉप की पहली क्लास जो थी उसको बहुत सारे लोगों ने इतना जल्दी पसंद किया, मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे हैरत भी हुई कि यार वाकई आप लोग फोटोशॉप का सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे. एंड थैंक्स अ लॉट, आई होप आप मेरी इस वीडियो को भी बहुत अच्छे से आप लोग लाइक करेंगे. डेफिनेटली पसंद आएगी तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा एंड अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. थैंक यू.